एक तरफ बेरोजगारी की मार, दूसरी ओर महंगाई का अत्याचार। आम जनता पर कुछ तो रहम करो केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने जितने भी वादे जनता से किए उसके विपरीत कार्य कर रही है। जनता को इस बात की सजा मिल रही है कि उन्होंने आखिर क्यों सरकार द्वारा किए गए इन बातों पर विश्वास किया और क्यों अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी। पेट्रोल के दाम आधे, महंगाई में रोक, इन बातों को जनता के सामने रख केंद्र में मोदी की सरकार बनी। लेकिन पिछले 2-3 सालों से जिस तरह से महंगाई बढ़ती उम्र की तरह अपने पैर पसार रही है, ऐसे में जनता के पास भूखे मरने के अलावा और कोई चारा नहीं। एक ओर जहां कोरोना का दंश झेलते लोगों को कई कई महीने तक अपने घरों में दुबक के रहना पड़ा, तो वहीं जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ काम के प्रति लोग मुखर हुए तो महंगाई बढ़ गई। ऐसे में विपक्षियों का केंद्र सरकार पर आक्रामक होना जायज हो गया। जब से महंगाई बढ़ी है तब से कांग्रेस किसी न किसी तरह से प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के प्रति अपना रोष व्याप्त करते रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सुरेंद्र वर्मा ने कहा, मंत्रियों के रूप में अपने मोहरे बदलने से आपकी नाकामयाबी नहीं छुपेगी। कांग्रेस कह रही है कि आप अपने नीतियों में फेरबदल कीजिए, ना कि मोहरों में। देश में महंगाई से आग लगी पड़ी है। वैसे भी आपने कोरोना काल में लोगों की स्थिति इतनी बुरी कर दी कि लाखों लोग बेरोजगार हो गए, कितने अपनों से दूर हो गए, कितने लोग बेघर हो गए, कितनों के सर से अपनों का साया उड़ गया, लोग जुर्म करने को मजबूर हो गए। इन सब के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। मोहरे बदलने से कुछ नहीं होगा। केंद्र की नाकाम मोदी सरकार को अपनी नीतियां बदलनी पड़ेगी। जिस प्रकार से देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक कुप्रबंधन के चलते जो हालात उत्पन्न हुए हैं, महामारी के समय जो आपराधिक अदूरदर्शिता के परिणाम स्वरूप जिस प्रकार से लाखों की संख्या में लोग संक्रमित हुए हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी मोदी सरकार की है। अपनी नाकामी का ठीकरा चंद मंत्रियों पर फोड़कर अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। जिस प्रकार से देश में पिछले 7 महीनों से किसान आंदोलित है, महंगाई से आम जनता त्रस्त है, डीजल पेट्रोल में सरकार की मुनाफाखोरी, विगत 7 वर्षों में हम डीजल की बात करें तो सेंट्रल एक्साइज लगभग 10 गुना बढ़ गया है, जिसके कारण से जनता पर दोहरी मार पड़ रही है। क्रूड ऑयल 2014 की तुलना में लगभग आधे दाम पर है, फिर भी पेट्रोल की कीमत लगभग दुगुने है। सरसों के समर्थन मूल्य में केवल 2.25 रुपया प्रति किलो की वृद्धि हुई है, लेकिन सरसों के तेल के दाम लगभग 200 के आसपास पहुंचा दिए गए हैं। मोदी सरकार की सभी नीतियां चंद पूंजीपतियों के मुनाफे पर केंद्रित होती है। जिस प्रकार से 43 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं इसलिए नए मंत्रियों में 7 यूपी के मंत्री शामिल हैं। जिस प्कार से उड्डयन मंत्रालय महाराज को सौंपा गया है, सोच समझकर ही सौंपा गया होगा, क्योंकि खबर है कि एयर इंडिया को बेचने की तैयारी मोदी सरकार ने पूरी कर ली है और एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जो उड़ने की तेजी है महाराज की, उसी को देखते हुए उन्हें यह विभाग सौंपा गया होगा ताकि बिक्री की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जा सके, क्योंकि मोदी सरकार बंदरगाह, रेलवे, बैंक, बीमा, NMDC, HPCL सहित देश के सारे संसाधन तो बेच ही रही है और बिकने और बेचने में महाराज को महारत हासिल है। आज